सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी ऐप के बारे में जिससे आप गेम खेल के अर्न कर सकते हो। मतलब ये एक प्ले टू अर्न गेम है। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कॉम्पिटिटर आएगा, उस कॉम्पिटिटर से आपको विन करना है और यहाँ पे से आप अर्न करोगे क्रिप्टोज। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टोज अर्न करने के बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते हो तो आप एक अल्टरनेटिव ऑप्शन से भी जो है वो यहाँ पे क्रिप्टोज अर्न कर सकते हो। लेकिन इसमें मेनली तरीका है कि भाई यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को हराना पड़ेगा और यहाँ पे से आप उसके बदले अर्न करोगे टोकन्स। अब वो टोकन्स कौन सा है, मैं बात करने वाला हूँ ARC8 ऐप के बारे में, जो यहाँ पे आपको गेमी ऐप या गेमी टोकन प्रोवाइड करती है। और इन गेमी टोकन के प्राइस के बारे में भी हम बात करें कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या से क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेनी होगी ARC8 एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। नए अपडेट्स आए हैं, उस नए अपडेट्स के तहत मैं आपको इस वीडियो को पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। रिसेंटली मैंने आपको टॉप 10 माइनिंग ऐप्स के बारे में बताया है, जहाँ पे से आप क्रिप्टोज को माइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसका लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के अंदर नए हो, फॉलो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हो। एक सेकेंडरी चैनल भी है Techie 2.0, जाओ उसको फॉलो करो, क्योंकि ना इस चैनल के अंदर दो कम्युनिटी वाले स्ट्राइक चल रही है। अगर एक और स्ट्राइक आएगी तो चैनल डिलीट हो जाएगा, जो मैं आप लोगों के सामने नहीं चाहता हूँ। जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ तो आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलो, बातें बहुत हो गई, चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। सिंपली फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के अंदर। ARC8 एप्लीकेशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो आपको देखो कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे से देखो आपको बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे से जो है वो आप टोकन्स को अर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको गेमी टोकन का प्राइस बता देता हूँ, यहाँ पे गेमी टोकन का क्या प्राइस चल रहा है। फटाफट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेमी टोकन, और यहाँ पे आपको जो है उसका प्राइस देखने को मिलेगा कॉइन मार्केट कैप के अंदर, जहाँ पे से देखो 0.0036 सेंट के आसपास है। ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो 0.6 सेंट के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हो मार्केट के अंदर 13% की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और मैक्सिमम सप्लाई भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बिलियन से ऊपर की इसकी सप्लाई देखने के लिए मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर अभी आप इसको बाय करने की सोच रहे हो तो बाय अभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के सामने होल्डर जो है ना आपके ऊपर टोकन्स को डंप करके जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, वापस आते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे जो है ना आप यहाँ पे इवेंट्स के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट्स अर्न करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो ऊपर आपको आप इसको कह सकते हो स्पेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वैसे तो ये स्पेल्स यहाँ पे कॉइन में मिलते हैं। अब ये कॉइन्स आपको रेफरल करके मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप रेफरल्स नहीं करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे ये जो आपको स्पेल्स देखने के मिलते हैं ना, हर आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद आपके जो ये स्पेल्स हैं वो रिफिल्स होते रहते हैं, जिसके बदले आप इन कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जहाँ पे आप देख सकते हो 11,000 डायमंड्स का या 11,000 गेमी टोकन का गिव अवे चल रहा है, या आप कह सकते हो प्राइस पूल चल रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको जो है वो विनिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे 2 से लेके 5, मतलब जो पहला सबसे पहले तो बताऊँ, पहला रैंक आने वाले को 3,000 टोकन्स मिलने वाले हैं, दूसरे रैंक आने वाले को यहाँ पे जो है वो 1,000 टोकन मिलने वाले हैं, तीसरे रैंक आने वाले को 5, 6 से लेके 10 रैंक आने वाले को 500, और 11 से लेके 25 रैंक आने वाले को 100 टोकन मिलने वाले हैं। और बाकी जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं 200, ये जो है आपके रिवॉर्ड्स जो आपने लगाए हुए हैं वही जो है आपको मिलने वाले हैं। ये आपको स्पेल्स नहीं मिलेंगे, ये आपको टोकन्स के रूप में मिलने वाले हैं, ठीक है। आप जो है वो इन कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके अर्निंग कर सकते हो। दूसरा क्या, डायरेक्टली आप जैसे प्ले के ऊपर क्लिक करते हो, आप इसमें से अपने तरीके से आप कोई भी गेम को चूज करते हो, आपके सामने एक कॉम्पिटिटर आता है, उस कॉम्पिटिटर से अगर आप विन करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे मैन स्ट्रिक इसके ऊपर क्लिक, और यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है वो एज अ आप कह सकते हो वो इस वजह से चल रहा है, मतलब एज अ स्टार्टिंग मोड, मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने बॉट आ सकता है, या अभी जो है वो बंदा रियल बंदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायल है, मतलब ये भी ट्रायल चल रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से गेम खेलना होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 500 कितने पॉइंट करे हैं, और यहाँ पे सामने वाले से ज़्यादा पॉइंट्स को लाना होगा। देखो 3x पॉइंट, जहाँ पे मेरे 1200 कुछ पॉइंट आ गए हैं। अब मैं फटाफट से देखो, इसने रोक दिया है, और यहाँ पे आपको 3 ही बारी चांस मिलने वाली है। एक और बार रोक दिया है इसने, तीसरी बार भी रोक दिया, तो यहाँ पे देखो गेम ओवर हो गया है।
और यहाँ पे से 1200 पॉइंट ही मैं अर्न कर पाया हूँ। देखते हैं सामने वाले अपोनेंट ने कितना अर्न किया है। सामने वाले ने देखो यहाँ पे अराउंड 2189 पॉइंट्स अर्न करे हैं। तो यहाँ पे से क्या होगा, आपको ये पावर मिलने वाली है, ये एनर्जी बूस्टर है। ये एनर्जी बूस्टर आपको डेली बाय डेली या आप जो है वो हर 3 घंटे बाद जब भी गेम प्ले करोगे ये एनर्जी बूस्टर आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे ये रिफिल होगा हर 17 घंटे बाद लिखा हुआ है, एक रिफिल, ठीक है। जब आपने दूसरा रिफिल भी खत्म कर दिया, तीसरा रिफिल भी खत्म कर दिया, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कितने घंटे बाद जो है वो आपका यहाँ पे रिफिल होने वाला है। तो आप इन गेम को खेल के भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, इन गेम के खोल के भी ये टोकन्स को अर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे लीक्स चलती हैं। लीक्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि भाई आप जो है वो लीग खेलते हो या जो है वो आप इवेंट खेलते हो, वो तो अलग चीज़ है, लीग है। लीग में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जीतेगा या सबसे ज़्यादा अर्न करेगा, तो यहाँ पे जो है वो उसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा, जिसको एक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। उस मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के बाद आपको जो है वो टोकन्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपको जो है वो टोकन्स को बाय करना है तो डेफिनेटली आप ये टोकन्स को बाय कर सकते हो, वरना एक फ्री वाला ऑप्शन है जहाँ पे से आप इस फ्री वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप जो है वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स अर्न करोगे और यहाँ पे से कुछ ना कुछ जो है वो अराउंड आप ये कह सकते हो आप एनर्जी अर्न करने वाले हो, ठीक है। अब मान लो आपने वैसे इसमें से टोकन्स अर्न कर लिए, वो टोकन्स आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर गेमी वाला। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको आपके वॉलेट के अंदर टोकन देखने के लिए मिलने वाले हैं। मेरे केस के अंदर अभी एक भी टोकन नहीं हुई है क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे गेम नहीं खेलता हूँ। जब तक गेम खेलता था आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने इसका पेमेंट प्रूफ भी दिया हुआ है और मैंने इसके विड्रॉल्स ले भी रखे हैं अपने मेटामास वॉलेट के अंदर। और यहाँ पे से आपको ये जेम्स भी देखने मिलेंगे, ये जेम्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हो गेम्स के अंदर और साथ ही साथ जो है अदर जगह के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपको स्पेल देखने को मिलेगा जो लक नाम से आता है, बढ़िया स्पेल है। जहाँ पे मेरे पास 275 स्पेल हैं, अब देखो यहाँ पे ये 275 स्पेल तो हैं बट मैं और ख़रीदना चाहता हूँ और गेम खेलने हैं मेरे को, तो ये स्पेल्स मेरे को ख़रीदने पड़ेंगे, बिना स्पेल्स के यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप जो है वो स्पेल्स खरीदना चाहते हो या साथ ही साथ जो है वो आपको पॉइंट्स खरीदने हैं, वो पॉइंट्स को आपको खरीदना पड़ेगा, या आप कह सकते हो कि भाई आपको रिफिल्स ऑप्शन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना जो है वो अगर आपको गेम खेलना है तो इसको खरीदना ही पड़ने वाला। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो आपको और भी ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसे कि वॉलेट्स एंड टोकन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको आपके वॉलेट्स में जितने भी टोकन्स पड़े हुए हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे इसे टोकन्स को रिसीव करना चाहते हो तो आपको ये वाला वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। आप इस वॉलेट एड्रेस के अंदर पॉलीगॉन नेटवर्क के थ्रू गेमी टोकन्स को रिसीव कर सकते हो। और बाकी जो है वो आपने इसमें से विड्रॉल लगाना है तो विड्रॉल लगाने का भी जो है वो आपको इसके अंदर से ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक NFT वाला ऑप्शन भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो इनके मोकावर्स के, कूल पैट्स के, कूल कैट के, जी बॉर्ड बाय गेमी, इनके आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है वो NFTs देखने में मिल जाएंगे। आप उस NFTs को भी कलेक्ट कर सकते हो, मे बी इनका फ्यूचर में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हम जो है वो इसमें गेम खेलते हैं तो हमको यहाँ पे अर्निंग बहुत कम होती है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इसमें से मोस्ट ऑफ द गेम फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट से ही टोकन अर्न कर सकते हो। अगर आपको पेड करके करना है तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे से फ्री में तो आपको इतनी ही अर्निंग मिलने वाली है। अब ये मत समझना कि भाई यहाँ पे से आप हज़ारों डॉलर लाखों डॉलर अर्न कर लोगे, आप ये समझना कि भाई मेरे को गेम खेलने के बदले एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं, आप उन एयर ड्रॉप्स को कलेक्ट कर रहे हो। मैं फटाफट से अपना जो है वो यहाँ पे सीक्रेट पेज डाल देता हूँ जहाँ पे से मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने टोकन्स अर्न करे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे केस में आप देख सकते हो मेरे पास 2400 गेमी टोकन है, जहाँ पे से कुछ टोकन मैंने यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू कमाए हुए हैं पिछली वीडियोस से, लेकिन कुछ टोकन्स मतलब आप ये कह सकते हो 1000 टोकन्स या आप कह सकते हो 800 टोकन्स मैंने अर्न करे हुए हैं एज ए गेम खेल के। और जब यहाँ पे पहले इसके अंदर गेम चलते थे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली विनिंग चांस थे अर्न करने के, लेकिन अभी के केस के अंदर यहाँ पे आपके जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो गया, सब लोग इस ऐप के बारे में जान चुके हैं तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा लो हो गया है। एक इनवाइट एंड अर्न वाला ऑप्शन है जहाँ पे देखो जब भी अपने दोस्त को इनवाइट करते हो तो 50 पॉइंट मिलते हैं या 50 कॉइन या आप कह सकते हो, जिससे आप जो है वो यहाँ पे इनकी ये SLP नहीं, यहाँ पे जो है वो आप इसके स्पेल्स खरीद सकते हो। इन स्पेल्स के बदले भी जो है वो आपको अच्छी खासी जो है वो गेमिंग में इंटरेस्ट, जैसे आप किसी पार्टिसिपेट करोगे वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। वहीं अगर आप जो है फ्रेंड्स अपने आपके पास वॉलेट के अंदर कोई टोकन पड़े हुए हैं, आप उन टोकन्स को भी यूज़ कर सकते हो ये टूर्नामेंट्स वाले के अंदर जाके। जैसे टूर्नामेंट्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपने जो है वो यहाँ पे 10
ये शॉप के अंदर जो टोकन है ना, ऊपर आपको टोकन देखने के मिल रहे हैं ये वाले, ये टोकन्स को यूज़ करते हो तो आप उसको भी यूज़ कर पाओगे गेम खेलने के लिए टूर्नामेंट्स के अंदर, जहाँ पे देखो 2800 टोकन्स मैक्स कॉइन का पूल चल रहा है, जहाँ पे 125 टोकन्स का पूल चल रहा है, पहला रैंक आने वाला इतना विन करेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे गेम्स हैं, इन गेम्स को खेल के आप जो है वो रियल तरीके से क्रिप्टोस को अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इनका प्राइस क्या जा सकता है। देखो प्राइस की बात करें, अभी आप ये समझ सकते हो कि 13% ही मार्केट के अंदर सप्लाई मार्केट के अंदर आई हुई है। 13% बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको बाय करके रख लूँ, फ्यूचर में अच्छा खासा मेरे को रेट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे ही नेक्स्ट बुल रन के अंदर ये $1 जाएगा या यहाँ पे 0.9 सेंट के आसपास जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो इसका प्राइस जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो आपके ऊपर डंप करके चले जाएंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये टोकन है तो आप जो है वो बाद में जब बुल रन आता है तो उसको सेल कर देना, लेकिन अगर आपके पास टोकन है तो उसको बड़े क्वांटिटी के अंदर खरीदने की कोशिश मत करना भाई, यहाँ पे आपके ऊपर लॉस हो सकता है। जितने भी बड़े एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो आपके ऊपर सारे टोकन्स को डंप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये गेम खेल के टोकन्स अर्न करने हैं तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके भी अर्न कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो राय नहीं देता हूँ। अपने दोस्त के साथ शेयर करो, जिससे टोकन्स आपको मिलेंगे या कॉइन्स आप मिलेंगे उन कॉइन्स को यूज़ करो, जिससे आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको सब की सब गेमी ऐप के बारे में, या आप कह सकते हो ARC ऐप के बारे में, जिसमें आप फिर पौरती गेम खेल के अर्निंग करने वाले हो। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।